नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। कल के सेशन में हमने कमोडिटी मार्केट में काफ़ी बड़ा तेजी और मंदी आती हुई दिखा। जहां इनिशियल पीरियड में हमने सोने और चांदी में एक अच्छी गिरावट देखी जैसे हमने एक्सपेक्टेशन किया था, बट लेटर इन द डे हमने देखा यूएस और चाइना के बीच में तनाव बढ़ने की वजह से और स्टिमुलेशन की जो घोषणा की गई है उसके चलते सोने में फिर से हमने एक तेजी आती हुई देखी है। सिमिलरली चांदी में भी हमने तेजी आती हुई देखी, जबकि क्रूड में कंसर्न के चलते हमने डिमांड में ड्रॉप आते हुए देखा और टेक्निकल एक पुल बैक भी लग रहा था जिसके चलते प्राइजेस में हमने गिरावट आते हुए देखी है। नेचुरल गैस में एकाएक अच्छी तेजी जरूर आई, बट हमने पहले भी कहा था कि 140-141 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन नहीं करेंगे और वहाँ से फिर हमने प्राइजेस में गिरावट आती हुई देखी, जो आज के सेशन में भी गिरावट का रुख कायम रह सकता है। बेस मेटल की बात करें तो मॉर्निंग सेशन में तो हमने गिरावट देखी, बट लेटर इन द डे मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी भी आना चालू हो चुकी है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे ही बेस मेटल पैक के लिए भी और सोने चांदी के लिए भी। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो सोने और चांदी में अच्छी गिरावट के बाद अच्छी तेजी है। सोना 1700 के नीचे जरूर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। ये रिवर्सल का या फॉल्स ब्रेकआउट का सिग्नल है। जब जब हमने ऐसा फॉल्स ब्रेकआउट देखा है और वो भी की लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाई दी है, तो अनलेस एंड अंटिल 1718 का लेवल नहीं तोड़ता है, 1725 का भाव इस वक्त गोल चल रहा है, जो 1735 से 1738 तक का लेवल, 1738 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें, कल हमने $1750 के नीचे भी प्राइजेस को जाते हुए देखा, बट अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। $18 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 18 के ऊपर अगर गोल्ड सिल्वर अगर होल्ड भर जाती है तो 1840 तक का भी हम एक अच्छा उछाल देख पाएंगे। तो सोने और चांदी में कॉशियस रहकर ट्रेड कीजिए क्योंकि वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट ओवरऑल हमें लगता है आज का ट्रेड जो है पॉजिटिव रहेगा। वहीं WTI और ब्रेंट क्रूड में आज भारी गिरावट है, 2.5% के करीब की WTI में गिरावट है और ब्रेंट की भी करीबन 1.5% की गिरावट है। ये गिरावट कायम रह सकती है 30.50 तक WTI और ब्रेंट में $32 तक का लेवल हम देख पाएंगे। नेचुरल गैस में कल हमने 140 से मार्केट में वापस एक पुल बैक आते हुए देखा, ये पुल बैक कायम रहेगा। ध्यान रखिए अगर 132 का 132 का लेवल तोड़ देता है तो 125 126 तक के भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। विक्स इंडेक्स 30 के नीचे है, थोड़ी बहुत गिरावट है। जिस दिन से हमने नया वैक्सीन मार्केट में न्यूज़ आई है कि टेस्टिंग पॉजिटिव हारी है, जिसके चलते इक्विटी के सेंटिमेंट हमने अच्छे बनते हुए दिखे। डाउ में नया हाई बनता हुआ दिखाई दिया है, नया हाई मीन्स पिछले एक महीने का जो 25,750 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी इक्विटी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। बट ध्यान रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉशियस स्टेज है, क्योंकि एक तरफ हमने इक्विटी में भारी तेजी देखी, दूसरी तरफ गोल्ड में भी तेजी देखी है। तो गोल्ड और इक्विटी दोनों हैंड इन हैंड कभी नहीं चलता। अगर गोल्ड और इक्विटी दोनों हैंड इन हैंड चलेगा उसमें इक्विटी में भारी गिरावट का संकेत मिलता है, जो हमने 2019 में और 2020 में भी देखा है कि सोना और इक्विटी दोनों हैंड इन हैंड गए और वहां से फिर गिरावट देखी है। आज बेस मेटल में अगर बात करें तो बेस मेटल में LME पे थिंग्स हैव बीन पॉजिटिव, उसका एक सीधा सीधा असर डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ेगा। आज के ट्रेड सेटअप के लिए सोने चांदी को दिन के सेशन में लेके चलिए, क्रूड और एनजी को बेच के चलिए और बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप शुड बी दी स्ट्रेटेजी। थैंक यू।